शैलपुत्र च नित्यं ब्रह्मचारी नित्यं चंद्रगंतेति कुशांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमादिति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागारीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रि च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नमस्कार, जय माता की। आज हम बात करेंगे माँ गौरी के बारे में, माँ गौरी की महिमा के बारे में। माँ गौरी का जो वाहन है वो है वृषभ। माँ के हाथ में एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में कुंद है। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक हाथ माँ का वर मुद्रा में है। माँ वृषभ की सवारी करते हुए आती है। माँ का जो रूप है वो अत्यंत गौण है। माता के जो आभूषण है वो भी एकदम गौर है। माता का सब कुछ चमकीला सा होता है, क्योंकि इसके पीछे की कथा मैं आपको बताती हूँ। एक बार माँ पूजा करते करते शिव जी के लिए तपस्या करते करते, और उन्होंने इतनी तपस्या की थी शिव भगवान की कि उनका जो रंग है वो अत्यंत काला पड़ गया था। वो एकदम काली हो गई थी, क्योंकि धूप बारिश सब जगहों में वो पूजा करती रही हजारों वर्ष तक, तभी तो उन्होंने शिव को पाया था। और जब उनकी जो पूजा थी वो संपूर्ण हुई तो शिव जी ने उनको गंगा जल से नहलाया था, और वो गंगा जल उनके ऊपर पड़ते ही माँ एकदम गौण हो गई थी। गौण मतलब होता गोरी हो गई थी, चमकदार हो गई थी। साथ ही साथ जो उन्होंने आभूषण पहने थे वो भी गोरे हो गए थे और एकदम चमकीले हो गए थे। तभी माँ को महागौरी कहा जाता है, क्योंकि माँ एकदम गौर है। और माँ की उम्र भी 8 वर्ष ही बताई गई है। तभी तो जब आप लोग अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा करते हैं तो आपको बोला जाता है कि छोटी छोटी कन्याओं की आप पूजा करें। माँ की पूजा से हर तरह के संताप जो होते हैं, आपके घर में जो दुख होते हैं, आप जो परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, वो दुख आपके जीवन से हट जाता है। माँ आपको शांति प्रदान करती हैं, माँ आपको एक सुख प्रदान करती हैं। देखिए, दुख चाहे हटे ना हटे, आप में दुख को सहने की शक्ति आ जाती है। आप में आपके जीवन से संताप हटाने वाली माता, आपके जीवन में सुख लाने वाली माता है महागौरी। इसीलिए छोटी छोटी कन्याओं को कई लोग आज के दिन भोजन कराते हैं, कन्याएं बिठाते हैं। तो माँ गौरी का जो ये महत्व है, ये आपके घर माँ गौरी आए छोटी छोटी कन्याओं के रूप में और आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ से हमारी यही इच्छा है। आज के दिन क्या होगा भोग? तो आज के दिन नारियल का भोग चढ़ाया जाता है माँ को। तभी आप लोग देखते हैं कि प्रसाद जो होता है उसमें नारियल अवश्य होता है। और आपको महाउपाय जानने की भी इच्छा होगी कि आज के दिन क्या महाउपाय करा जाए, ताकि माँ की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, आपकी मनोकामना पूरी हो, और जो दुख संताप आपके जीवन में है उनसे भी आपको मुक्ति प्राप्त हो। आज के दिन माँ की जोत में आप 4 लौंग लगा दीजिएगा। इससे आपका हर संताप, आपका हर दुख दूर होगा और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। यही है आज का महाउपाय। कल मैं फिर हाजिर होंगी इसी चैनल पर इसी समय। तब तक आप मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता की। नमस्कार। पंचमं स्कंदमादिति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागारीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रि च नव दुर्गा प्रकीर्तिता।